हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्लाजो विद ट्राउजर। इसको लिए हमने 1.5 मीटर का कपड़ा लिया है। ये 1.5 मीटर है हमारा। तो सबसे पहले हमने इसे अर्ध में फोल्ड किया है। ये हमारे इधर भी किनारी है और इधर भी। अब इसे फुल लेयर में करेंगे इस तरीके से। इसकी जो लेंथ रखेंगे वो तैयार रखेंगे हम 33 इंच, और ये हमारा कपड़ा है 34, और इसमें हमारे 2 इंच के ऊपर बेल्ट भी आएगी, तो हम इसे इतना ही रखेंगे। ये थोड़ा नीचा भी चल जाएगा और इसमें थोड़ा बहुत फोल्ड होने में भी चला जाएगा, तो इसे हम इतना ही रखेंगे 34। और ऊपर से जो हमारी हिप है वो 33 है, तो 33 का फोर्थ भाग निकालेंगे तो वो आएगा 8.25, और 8.25 में भी हमें ये लूजिंग के लिए लेना है 2 इंच यानी 10 इंच, और 1 इंच लेंगे हम आसन के लिए जो जाएगा हमारा कटिंग में, तो यहाँ से 11 इंच ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम इस तरीके से रखेंगे इसको तिरछा और निशान लगा लेंगे। यहाँ मोहरी की साइड से हम कटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पूरा खुला रखेंगे। और अब यहाँ से हम अपना आसन नापेंगे, तो आसन लेंगे हम इसमें 11 इंच। अगर आप बड़ा बना रही हैं तो 13 या 14 लें, हम ये छोटा ही बना रहे हैं तो इसमें हम 11 इंच यानी 11 इंच आसन लेंगे, और 2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस निशान को इस निशान से इस तरीके से मिला देंगे। सॉरी, हम सीधा ही मिलाएंगे बिल्कुल, हमने क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है उसमें कपड़ा। और यहाँ से गोल कर दे देंगे। अब इसी तरीके से इसे कटिंग करेंगे। अब देखिए ये हमने कट कर लिया है इसी तरीके से, और अब इसे हटा देंगे और जो हम इसके लिए बेल्ट निकालेंगे पहले इसको ऊपर से नाप लेंगे कि ये हमारा कितना है पूरा। देखिए ये हमारा 10.5 इंच है, और 10 हमारा तैयार रहेगा, 1/2 इंच हमारा इसमें सिलाई में चला जाएगा, तो यानी ये फोर लेयर में है। हमें 40 इंच की बेल्ट लेनी है इसकी। ये जो कपड़ा है हमारा कटिंग में से, इसी में से हम अपनी ऊपर के लिए पेटी निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 21 इंच कपड़ा ले रहे हैं क्योंकि 1 इंच हमारा ये भी सिलाई में जाएगा। और यहाँ से देखिए लास्ट के लिए ही बचा हुआ है, ये 2.5 इंच है, और 2 इंच की हमारी इसमें बेल्ट रहेगी, इसे एक तार कर लेंगे। अब इसे यहाँ से भी हम जॉइंट कर लेंगे, और जो हमारे पीस खुले हुए हैं उनको भी जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। इसे इसके ऊपर सिल्क तैयार कर लेंगे और इसमें इलास्टिक डालेंगे। अब इसको देखिए यहाँ से हमें आसन को सिलना है। सबसे पहले हम आसन की साइड से इसे सिल लेंगे, और ये अंदर की तरफ से सीधा है कपड़ा, उल्टे सीधे का ध्यान रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। और अब इसके ऊपर दबाने वाली सिलाई लगाएंगे। ये 10 मिनट में तैयार हो जाता है बनके, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत अच्छा बनके आता है। आप किसी भी कपड़े में इसे बना सकते हैं। अब इसी तरीके से दूसरे वाले आसन को भी जॉइंट करेंगे। अब दोनों आसन हमने देखिए जॉइंट कर लिए हैं, और इसके बाद हम नीचे से इसे फिटिंग करेंगे। और हमारी ये नीचे किनारी आई हुई है, इस वजह से हम इसे फोल्ड नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको फोल्ड करना है तो पहले 1/2 इंच फोल्ड करें और फिर 1 इंच। अगर आपकी किनारी नहीं है तो फोल्ड ज़रूर कर लें। और इसे यहाँ से फिटिंग कर लेंगे। और इसको यहाँ से पक्का कर लेंगे। और इसमें अगर किनारी में जो धागे वाली किनारी होती है उसका लुक और भी प्यारा आता है, उसको तो बिल्कुल भी फोल्ड ना करें, क्योंकि हमने बनाया था एक बार तो जिसमें धागे धागे निकले होते हैं किनारी में, उसे तो बिल्कुल फोल्ड ना करें, वो बहुत ही अच्छा लुक आता है उससे। और अब इसे फिटिंग करेंगे।
तरीके से हम दूसरे पैर तक फिटिंग करके कंप्लीट करेंगे इसको। पहले तो देखिए हम हल्का सा सिलाई लगा के इसे ज़्यादा नहीं दबाएंगे कपड़े को, इस पट्टी को जॉइंट कर लेंगे पूरी को इसी तरीके से। अब इसको इस तरीके से खोल लेंगे और दूसरे कपड़े को इसके ऊपर रख के यहाँ से भी जॉइंट कर लेंगे। ये जॉइंट हमारे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे ऊपर ब्रेक ऊपर आएंगे पेटी पर। अब देखिए इस कपड़े को लेंगे और यहाँ बीच सेंटर में इलास्टिक को रख लेंगे, एक सिलाई लगा देंगे यहाँ पर ताकि ये खिसके ना। अब देखिए इसको यहाँ से हमें सिलाई लगाना है तो इस इलास्टिक को अच्छे से बिल्कुल बीच सेंटर में करते जाएंगे, इलास्टिक के ऊपर सिलाई को नहीं चलाना है। यहाँ पर इस तरीके से इसमें सिलाई लगाते हुए चलेंगे और इलास्टिक को बिल्कुल बीच सेंटर में करते हुए देखिए हाथ से चेक कर लें कि सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना चली जाए। इलास्टिक को हमें इसके अंदर ही करते हुए चलना है। देखिए जितनी आपकी कमर है उससे 5-6 इंच कम रखें इलास्टिक को और इस तरीके से खींच लेंगे इसे। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो हम इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगाएंगे, इस तरीके से हमें इलास्टिक को टाइट से खींच के रखना है और तब सिलाई को लगाना है। इस तरीके से इलास्टिक को खींचते हुए हमें सिलाई को लगाना है। इससे क्या है कि हमारी इलास्टिक जो अंदर बल खा जाती है वो बल भी नहीं खाएगी और फिनिशिंग भी देखिए बहुत अच्छा लुक आएगा इसका, इसमें गैदरिंग्स डलते हुए चले जाएंगी। इसी तरीके से इसमें पूरे में हम खींचते हुए इसे लगाएंगे और फिर इसे अटैच करेंगे इसमें। देखिए हमने इलास्टिक डाल लिया, एक्स्ट्रा इलास्टिक को कट कर लेंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा को हमने कट कर लिया है और इसका लुक बहुत ही प्यारा आया है। अब इसे इसके ऊपर जॉइंट करेंगे तो सबसे पहले हमें इसको यहाँ से जॉइंट करना है। ये हमने यहाँ से इसे सिलाई लगाना है और इसे इस तरीके से खींचते हुए ही सिलाई लगाएंगे वरना ये छोटी पड़ जाएगी अगर बिना खींचे लगाएंगे तो। ये इस तरीके से पूरे में हमें जॉइंट करना है। देखिए इसे जॉइंट कर लिया और ये हमारा हाथ नीचे का जॉइंट आएगा यहाँ पर। ये इसे पूरा सिल लिया है और अब इसे ऊपर से भी पक्का कर देंगे। अब ये देखिए ये हमारा प्लाजो एंड ट्राउजर
पैंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। किस तरीके से बनाई है हमने आपको बता दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।